हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे कि किडनी पेशेंट को कोकोनट वाटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर ले तो कितनी मात्रा में लें। मैं यहाँ पे इतने सालों से काम कर रही हूँ और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि सीकेडी के पेशेंट्स को ये बहुत क्वेरी होती है कि मैम हम कोकोनट वाटर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आइए आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कोकोनट वाटर की कंटेंट्स क्या है, उसमें क्या क्या होता है। कोकोनट वाटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस, जिंक, ये सारे कंटेंट्स होते हैं। फाइबर भी बहुत मात्रा में होता है, फैट एकदम ना के बराबर होता है और प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में होता है। ये जो कोकोनट वाटर का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिन लोगों को डायरिया हुआ है, यानी कि लूज मोशंस लग गए हैं, या प्रेग्नेंट औरतें हैं, या ऐसी औरतें जो अपने बच्चे को फीड करा रही हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक होता है। या ऐसे लोग जो कि वेट लॉस करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक होता है। पर जब हम सीकेडी के पेशेंट्स की बात करते हैं, सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज़, ऐसे लोगों की किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। कहने का मतलब है किडनी पहले से ही ठीक से काम नहीं कर रही है, जो उसका GFR है वो कम हो गया है, यानी कि किडनी के फंक्शन करने की कैपेसिटी। किडनी का काम होता है सही मात्रा में सही चीज़ों को बॉडी में बनाए रखना और टॉक्सिन्स को बाहर फ्लश आउट कर देना, सोडियम और पोटाशियम की मात्रा को सही तरीके से शरीर में बनाए रखना। अब जब किडनी का ये काम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और ऊपर से आप कोकोनट वाटर ले लें, तो ऐसे में तो हमारे बॉडी में पोटाशियम की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी और ऐसी सिचुएशन को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं हाइपरकैलेमिया, यानी कि खून में पोटाशियम की मात्रा का बढ़ जाना। अब हाइपरकैलेमिया सिचुएशन में क्या होता है, आपका दिल, आपके कार्डियक फंक्शंस बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, आपके पल्मोनरी फंक्शंस यानी कि आपके फेफड़ों के काम करने की क्षमता भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और फिर ये सिचुएशन बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, तो मैं पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि कोकोनट वाटर स्ट्रिक्टली नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, अनटिल एंड अनलेस सीकेडी के पेशेंट को लूज मोशंस हुए हैं, पानी की मात्रा शरीर में बहुत कम हो गई है, कई दिन हो गए हैं लूज मोशंस हुए हुए, तब आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं और वो भी बहुत ही कम मात्रा में, आधा कप, वो भी चम्मच से सिप बाय सिप यानी घुट घुट करके पीना है। नहीं तो किसी भी सिचुएशन में कोकोनट वाटर किडनी के पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी।